गाइस, क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कब से हुई थी और प्रथम गुरु कौन थे? चलो मैं आपको बताता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को सारो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। इसी वजह से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रू का अर्थ निरोधक। इसका मतलब है कि अंधकार में से प्रकाश की तरफ लाए वो गुरु कहते हैं। और आपको पता ही है कि गुरु का हमारे जीवन में कितना सारा महत्व है। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है और गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु न हो तो हमारा ज्ञान और जीवन दोनों अधूरा है। पहले गुरु है हमारे माता पिता, दूसरे गुरु है आध्यात्मिक गुरु और तीसरे गुरु है जो हमें सिखाते हैं, कुछ नया सिखाते हैं, वो हमारा तीसरा गुरु है। वृक्ष के बिना पत्ता नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो सब गुरुओं का मेरा प्रणाम और गाइस हैप्पी गुरु पूर्णिमा।